all exports. What do you think? Look, I'm not so thrilled about exit, because exit polls can be wrong also, they can be right also. So what will really show the truth and the true picture will be once the boxes are opened and the votes are out. We are hoping, to be very frank about it, we are hoping that the alliance will form the buses and a stable one. That's what we are looking for. देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पहले तो गवर्नर साहब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, ये गवर्नमेंट का है कि वो नॉमिनेट किसको करेगी और नॉमिनेट करके गवर्नर साहब को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजेगी, दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। ये क्या करना चाहेंगे मुझे नहीं पता, मगर अगर अन्य ऐसा कदम उठाया हम सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे, फिर हुकूमत बनाने का फायदा क्या है? अगर लाट साहब भी यहां रहेंगे तो हुकूमत का फायदा क्या है? वी हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल दोस, स्टेटहुड आना चाहिए एंड नॉट ट्रंकेट स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड वेयर गवर्नमेंट हैज द पावर टू डू थिंग्स। Why not? How does it matter? If we all work for the same thing, for improvement in conditions of people in the state, removing unemployment, removing all the distresses that have occurred in these 10 years, freedom of press, media, first thing you should have the right to say what is true and what is not true. So when we talk about the PDP exit to come up, are you ready to that? Why not? What is wrong with it? We can be rivals in elections, but if the aim is the same, that we want the good of the people of Jammu and Kashmir, I'll have no objections, and I'm sure Congress will have. I will not be the chief minister. That's one thing very clear to all of you. I have done my chief minister's job. My problem will be, how do we make a strong government? How do we fulfill the agenda that we have put for the election? वो वक्त बताएगा आपको क्यों इतनी जल्दी छोड़ रहा है, बनेगा वक्त मत कुर्सी पे बैठे, आप उसे कल बात करें। सर आपको क्या लगता है जो देखिए, अगर मेरे पास तिलिस्मी चिराग होता तो मैं आपको बता देता क्या होगा, मगर मेरे पास वो अल्लाह ने वो चिराग नहीं दिया है, जो होगा वो आपके सामने होगा। मुझे उनके इंटेंशंस पता है कि इंटेंशंस पहले से ही पता थे, मगर उनके इंटेंशंस कामयाब नहीं होंगे, वो आसमान से भी छलांग मारी। मैंने पहले आपसे क्लियर कर दिया था कि हम बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, जो जाएगा उसका असर वो होगा, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं भीख मांगू, अगर वो ये समझते हैं कि भैया इससे हम लोग रियासत को मजबूत कर सकते, यहाँ की मुश्किलों को दूर कर सकते, तो बिस्मिल्ला, अगर ये उनका होना चाहिए कि वो चाहते हैं इस रियासत को आगे बढ़ा, नफरत से निकाल तो सारे हिंदुस्तान में फैली। The bigger cause is the main thing. What are we fighting for? The good of the people. What are they fighting? The good of the people. So let's work together and try to remove all the tragedies that have occurred in the state for the last 10 years. साहब मैं आपसे कहता हूँ, वो तो कहते हैं कि हरियाणा भी हमारे पास है, वो तो कहते हैं सारा कुछ हमारे पास है, अगर उनके पास सब कुछ है तो बैसाखी पे क्यों चल रहे हैं? ये बैसाखियों पे चलने वाले यही बातें करते हैं, जिस दिन वो बैसाखी गिर जाएगी ये भी गिर जाएगी, उसके लिए इनको तैयार है। देखिए यही तो मुसीबत है, एक्सपेक्टेशंस इतनी
कि अल्लाह ही जाने वो चीफ मिनिस्टर सो सकेगा या नहीं सो सकेगा। इतनी तकलीफें हैं 10 साल में लोगों, मैं भी जम्मू से आया और मैंने जम्मू की बर्बादी देखी, उनकी सड़कें देखी, उनकी स्ट्रीट्स पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अंधेरा लगता है। और फिर कहते हैं उनको ये ख्याल है कि जम्मू उनके जेब में है। अफसोस तो मुझे इस बात का है, जम्मू के लोगों को समझना चाहिए कि उनकी हालत क्या है, कहां पहुंच गए। ईमानदारी से मुझे सख्त अफसोस है। वो तो पहले हम लोगों को गालियां मारते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने जम्मू को फेंक दिया है, आज तो उन्हीं के लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो कैसे जम्मू को भूल गए। मुझे ये बताइए, G20 भी यही, एम्बेसडर भी यही लाए गए, अभी जब इलेक्शन हुआ उसमें भी एम्बेसी के लोग यहां लाए गए, क्या जम्मू नहीं है, क्या जम्मू इसके खाते में है, वहां क्यों नहीं हुआ। अफसोस मुझे इस बात का कि जम्मू के लोग बात नहीं कर रहे हैं, बर्बादी पे पहुंच गए हैं वो। मुबारक कीजिए अपने आप को, हम तब भी बेहतर हैं।